बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरेस्टेड मार्केट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पुलिस कांस्टेबल भर्ती गाइड का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले में पार्ट 19 अपलोड कर लेते हैं। 18 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था कुरान करीम, और उसमें 35 क्वेश्चन हम हल कर चुके थे, और अब क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन इंतहाई अहम क्वेश्चन है। कुरान की मौजूदा तरतीब कौन सी है? यहां लिखा है कुरान पाक की तरतीब कौन सी है, तो इसके साथ मेरे ख्याल में मौजूदा तरतीब, ठीक है, तो ये तरतीबी तौफीकी है। अब बात यह कि तरतीबी तौफीकी क्या है। एक होता है तरतीबी नुजूली, जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ है उसको तरतीबी नुजूली कहते हैं। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुरान की तदवीन की तो उसको उसकी तरतीब को तरतीबी तौकीफी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम, इसलिए थोड़ा सा वजाहत तलब था। 37 नंबर देखे, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा है, और 136 या 135 टाइम है, 135 या 136 कुछ इस तरह है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखे, 38 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम का जिक्र कौन से सूरा में है? सूरह बनी इसराइल जो कि 15 नंबर पारा में है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, 39 को देखें। कुरान मजीद में कितने सूरते अंबिया के नाम पर है? 6 सूरतें हैं, जिसमें सूरह मोहम्मद, सूरह यूनस, सूरह यूसुफ वगैरह, इस तरह के 6 सूरतें जो है वो अंबिया के नाम है, और इस तरह 6 सूरतें जानवरों के नाम पर कुछ इस तरह, वो मुझे याद नहीं पड़ रहा, वो भी 6 ही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखे, 40 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद में कितने परिश्तों का जिक्र है? कुरान मजीद में 2 परिश्तों का जिक्र है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखे, कुरान मजीद में तौरात मुकद्दस का जिक्र कितनी बार आया है? तो ये 17 मरतबा, ऑप्शन सी है। 42 नंबर, किस सूरह में अल्लाह ताला ने नेमतों का बार बार जिक्र किया है? सूरह रहमान में। सूरह रहमान को रूसी कुरान भी कहा जाता है इस सूरत को। और इस सूरह में फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ये 31 या 32, इसको थोड़ा सा गिन ले, ये भी अहम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि ये कितनी दफा आया हुआ है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 30 32 31 कुछ इस तरह है, थोड़ा सा गिन के इसको भी याद करें। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 43 नंबर, कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरह मुबारका में नाजिल हुआ है? तो ये सूरह मुजम्मिल में है, ऑप्शन सी है। 44 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद में लफ्ज कुरान कितनी मरतबा आया है? लफ्ज कुरान 66 टाइम, ऑप्शन डी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से 10 बार कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह यासीन।
और 46 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद में कितनी बार नमाज का जिक्र है? ये तो एक बता पा चुका है, 700 टाइम्स, ऑप्शन सी है। 47 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कुरान मजीद को 30 मुख्तलिफ हिस्सों में किसने तकसीम किया? तो ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, ऑप्शन सी है। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 48 नंबर, उस औरत का नाम बताइए जिनका नाम कुरान पाक में आया है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी है। और 49 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र है? इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 4 और बाज जगहों में इसको 5 लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंफर्म कर लें। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, कुरान मजीद में कितने गजवात का जिक्र है? ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, 12 गजवात का जिक्र है, ऑप्शन सी है। और 51 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद का दूसरा सजदा किस सूरह में आता है? पहला सजदा सूरह आराफ में आता है और दूसरा सजदा सूरह अल रअद, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 52 नंबर, उस पहली सूरह का नाम बताइए जो मदीना में नाजिल हुई। मदीना में नाजिल होने वाली पहली सूरह का नाम सूरह फातिहा। सूरह फातिहा आई थिंक दो दफा नाजिल हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 53 देखें, कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया है, ऑप्शन डी है। और 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, किस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी आयत नाजिल हुई? आखिरी आयत किस मौका पर नाजिल हुई? हुज्जतुल विदा, ऑप्शन डी है। 55 नंबर क्वेश्चन, तर्जमानुल कुरान किस शख्सियत को कहा जाता है? तर्जमानुल कुरान किस शख्सियत को कहा जाता है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखें, लातीनी जुबान में कब पहला तर्जुमा हुआ? कुरान मजीद का लातीनी जुबान में कब तर्जुमा? 1143 में, ऑप्शन सी है। 57 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सी जुबान में सबसे पहले कुरान पाक का तर्जुमा हुआ? तो देखें लातीनी जुबान में, ऑप्शन डी है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जुमा किसने किया? उर्दू तर्जुमा सबसे पहले शाह रफीउद्दीन, आई थिंक शाह वलीउल्लाह के भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर, जर्मन जुबान में कुरान पाक का तर्जुमा पहला तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन बी है। और 60 नंबर क्वेश्चन, कुरान पाक पर एराब किसने लगवाए? कुरान पाक पर एराब हुजाज बिन यूसुफ ने। ये कुछ क्वेश्चन इंतहाई अहम है, ये ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन जो गुजर गए। और क्वेश्चन नंबर 61 देखे, 61 नंबर, हुजाज बिन यूसुफ ने कब एराब लगाए थे? तो देखे 43 हिजरी में, ऑप्शन डी है। 62 नंबर क्वेश्चन, मदनी सूरतें उमूमन होती हैं? मदनी सूरतें उमूमन तवील होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 63, मुफ्ताहुल कुरान किस सूरह को कहा जाता है? तो मुफ्ताहुल कुरान किस सूरह को कहा जाता है? सूरह फातिहा को, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों, 64 नंबर, उम्मुल किताब, ये क्वेश्चन बहुत इंतहाई अहम है। ये सूरह फातिहा का, सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, ये भी उसी में एक शामिल है। और 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, फातिहा के मानी क्या है? फातिहा के मानी आगाज के हैं, ऑप्शन बी है। 66 नंबर क्वेश्चन, बाबुल कुरान किस सूरह को कहा जाता है? बाबुल कुरान भी सूरह फातिहा का कहा जाता है। और 67 नंबर, सुलुस कुरान की सूरह को कहा जाता है? सूरह इखलास जो है ना,
तीन दफा पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, 68 नंबर, कुरान करीम किस तरस पर तहरीर है, कुरान करीम किस तरस पर तहरीर है, ये नसर और शायर दोनों, ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुरान पाक की कौन सी सूरा है जो पूरी दुआ है, जो पूरी की पूरी दुआ है, सूरह फातिहा। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है, जंगे बदर, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरफ क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कल्ब कुरान, कुरान का दिल किस सूरा को कहा जाता है, सूरह यासीन को, ऑप्शन डी करेक्ट है। 71 नंबर देखिए, 71 हो गया, 72 उरूसुल कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है, ऑप्शन सी है। और 73 नंबर क्वेश्चन, कुरान मजीद का पारसी में तर्जुमा किसने किया, हजरत शाह वलीउल्लाह ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर, कुरान मजीद की के आखिरी दो सूरतों को क्या कहा जाता है, माउजतेन, इंतहा अहम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है। जमीउल कुरान के सहाबी को कहा जाता है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, 75 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोस्तों, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।